इस वीडियो में दिखाया गया कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि व्यूअर्स इसे देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सके। अगर कोई व्यक्ति या इंसान इस वीडियो में दिखाए गए कंटेंट से किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा। हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आकाश। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DVWA का जो फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी है उसके दो नेक्स्ट लेवल के बारे में, ठीक है, जो कि है मीडियम और हाई लेवल। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या है, उसको लो लेवल में किस तरीके से बाईपास किया जाता है, तो मैंने वो डेमोन्स्ट्रेट किया था आपको और पूरा बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लैब में लॉगिन कर लेता हूँ, आप यहाँ पर जैम पर जैम स्टार्ट करके लोकल होस्ट पे आ जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एडमिन, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो पिछले वीडियो में हमने लो पे ट्राई किया था, अभी हम मीडियम लेवल को बाईपास करते हैं। को मीडियम एंड देन सबमिट। तो ये रही फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। जैसा आपने देखा था पिछले वीडियो में कि ये वेबसाइट हमें एक इमेज अपलोड करने दे रही, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि पता था पिछले वीडियो में इमेज अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक शेल अपलोड करने की कोशिश करता हूँ जो कि .php, जो पिछले वीडियो में हमने बनाना सीखा था, मैंने आपको पूरा बताया था, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और अपलोड करता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैसेज शो हुआ है, योर इमेज वॉज नॉट अपलोडेड, वी कैन ओनली एक्सेप्ट JPEG और PNG इमेजेस। ओके, तो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी लग गई है PHP के सोर्स कोड में बैक एंड में। तो अभी वो देखते हैं हम क्या है और उसको कैसे बाईपास करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू सोर्स पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो वी आर गोइंग टू राइटिंग टू यहाँ पर एक टारगेट पाथ होगा एंड देन बेस नेम करके यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर रहा है फाइल के नाम के साथ। देन ये रहा फाइल का मेटा डेटा, यहाँ से लिया जा रहा है फाइल का नाम, फाइल का टाइप और साइज। देन उसके बाद में अब चेक कर रहा है कि वो इमेज है, जैसे कि उसका टाइप चेक करेगा कि वो इमेज /JPEG होना चाहिए या फिर इमेज /PNG, और फाइल का साइज मस्ट बी लेस देन 1 लाख बाइट्स, शायद है बिट्स या बाइट्स, तो उससे कम होना चाहिए तभी फाइल को अपलोड कर देगा, ठीक है। तो पहले क्या करेगा वो, यहाँ पे मूव अपलोडेड फाइल जो टेम्प्रेरी फोल्डर में सेव करता है, देन उसके बाद में कुछ एरर वगैरह नहीं हुआ तो वो टारगेट पाथ में उसको मूव कर देगा। अगर फाइल अपलोड हो गई सक्सेसफुली तो ट्रू रिटर्न करेगा, सक्सेसफुली अपलोड नहीं हुई अगर अगर सक्सेसफुली अपलोड हो गई तो ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला कोड रन करेगा और फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और नहीं हो पाई तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और फॉल्स रिटर्न किया तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी, और ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर या क्या हो जाएगा, इमेज अपलोड नहीं होगी। तो ये इस तरीके से कुछ कोड है। अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम आता है यहाँ पर देख सकते हो, अगर इमेज का टाइप जो है वो JPG या फिर PNG नहीं है तो ये मैसेज जो हमें अभी शो किया था वही मैसेज शो करेगा कि नहीं आपकी इमेज, हम सिर्फ ये दो फाइल एक्सटेंशन ही सपोर्ट करते हैं फाइल टाइप। ओके, तो इसको किस तरीके से बाईपास किया जाता है वो देखते हैं। उसको बाईपास करने के और भी कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ईजी वाला बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसको अपलोड करने के बाद PHP फाइल को आपको बर्ब सूट में इंटरसेप्ट कर लेना है, एंड उसका कंटेंट टाइप जो होता है मेटा डेटा उसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे बर्ब में देख सकते हो, आप मेरी बर्ब सूट की प्रॉक्सी रन कर रही है, तो मैं यहाँ पे बर्ब है सूट को ऑन कर लेता हूँ इंटरसेप्ट को, एंड देन उसके बाद में हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, ब्राउज, और हमारा शेल किधर है, ये रहा। मैं इसको अभी अपलोड करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अपलोड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंटरसेप्ट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर फाइल का साइज़ ये भी जा रहा है उसके साथ में, और ये कंटेंट टाइप। तो यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन /ऑक्टेट स्ट्रीम, मीन्स ये दूसरा जो एक्सटेंशन वो सपोर्ट करता है वो नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेज / आप JPEG भी दे सकते हो या फिर PNG भी दे सकते हो, मैं PNG टाइप करता हूँ और फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। अगर अभी ये हमारा ठीक हो जाएगा कंटेंट टाइप, वहाँ पर जाके बैकेंड में उसको क्या मिलेगा, इमेज /PNG, तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं फॉरवर्ड करता हूँ उसको, अभी देखते हैं क्या होता है, और अपलोड हो चुका है शेल अपना। ओके, तो मैं इसको यहाँ से एक्सेस करता हूँ, अभी देखते हुआ है क्या नहीं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, डन। ओके, इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, डन, देख सकते हो आप यहाँ पे शेल जो है वो अपलोड हो चुका है, हो चुका है। मैं यहाँ पर एक कमांड देता हूँ CHDR, देखते हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देख सकते हो आप यहाँ पे इसने करंट डायरेक्टरी शो कर दी हमें। तो इस तरीके से इस फिल्टर को बाईपास किया जाता है। ज़्यादा कोई सिक्योरिटी है नहीं मीडियम लेवल में। अभी हम चलते हैं हाई लेवल की तरफ, मैं सिक्योरिटी बढ़ा देता हूँ। हाई, सबमिट। ओके, तो हाई पे हो चुकी है। अभी हम फिर से शेल को अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। सो पे ब्राउज करता हूँ,
तो ये हो चुकी है, अभी ये कर रहा हूँ अपलोड, तो ये भी नहीं अपलोड हुई। अब यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही, तो इसमें थोड़ा दूसरा मैकेनिज्म है। अगर हम इसका कंटेंट टाइप चेक करके भी देखें तो भी नहीं जाना जाएगी वो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दूसरा मैकेनिज्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इंटरसेप्ट एक बार ऑन कर लेता हूँ, आपके कन्फर्मेशन के लिए एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे अपलोड और कंटेंट टाइप में हम यहाँ पे क्या करते हैं अभी इसको, ओके सो एप्लीकेशन इसको करते हैं इमेज / png डन और फॉरवर्ड, ओके स्टॉप फॉरवर्ड, अभी देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है हम वो भी चेक करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स कोड पे PHP के हाई लेवल के, अभी यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें, देन उसके बाद में फाइल की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फाइल का नाम, एक्सटेंशन, साइज और टेम्प्रेरी फोल्डर में जहाँ पे वो टेम्प्रेरी स्टोर होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि पहले तो फाइल का एक्सटेंशन चेक किया जाएगा कि JPG है या नहीं, ओके JPG है या फिर JPEG है या PNG, इनमें से कोई एक एक्सटेंशन होना चाहिए। एंड देन उसका साइज़ जो है वो इस बाइट से, इतनी बाइट से कम होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट एक गेट इमेज साइज करके मेथड है PHP का फंक्शन, वहाँ पे चेक कर रहा है कि फाइल इमेज ही है या नहीं, उसका कंटेंट, उसका डायमेंशन वगैरह चेक करेगा, और वो अगर कन्फर्म इमेज ही है तभी वो अपलोड करेगा, ठीक है। तो और ये कोड जैसे का वैसा मैंने आपको अभी जैसे बताया, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, टेम्प्रेरी में से मूव कर देगा अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक नया फंक्शन ऐड हुआ है, तो इसको किस तरीके से बाईपास करते हैं, इसके बाईपास करने के लिए दो मेथड है, ओके। तो एक मेथड ऐसा है कि आपको क्या करना है कि फाइल का नाम जो है वो .jpg jpeg या फिर png रखना है, देन उसके बाद में उसको जब आप अपलोड कर रहे हैं या फिर उसको पहले ही PHP के कोड में क्या टाइप करना है, एक नाम होता है gf98, ओके। सो ये आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा आपके PHP के फर्स्ट लाइन में, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कोई इमेज है, तो वो अपलोड कर देगा। एंड देन अपलोड करने के बाद आपको कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी में जाके क्या करना पड़ेगा, मींस हाई लेवल में दो वल्नरेबिलिटी एटलीस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए नॉर्मल सी, तभी क्या हो पाएगा उस फाइल में, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो मतलब सिक्योरिटी यहाँ पे ज़रा टाइट हो चुकी है। तो आप कमांड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी में जाके एक कमांड देकर फाइल को डॉट जो भी आपने एक्सटेंशन रखा था इमेज का, PNG, JPG जो कोई भी है, उसको आप PHP में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसको रीनेम REN कमांड है, वो कमांड यूज़ करके कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो कॉपी कमांड से। देन उसके बाद में लिनक्स में हो तो MV करके एक कमांड होती है, उससे भी आप उसको रीनेम कर सकते हो। और दूसरा एक मेथड है कि आप क्या करें, दूसरे मेथड में क्या करना पड़ सकता है, जो ओरिजिनल इमेज है ओके उसी को लो और उसी में अपना PHP का शेल कोड जो है उसको बाइंड कर दो। तो वो कैसे होगा, वो एक नॉर्मल सा मेथड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मुझे ज़रा यूनिक लगा और मैंने सर्च नहीं किया कहीं पे, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं है या नहीं YouTube पे, या फिर मैंने चेक नहीं किया YouTube पे, आप चेक कर सकते हैं, अगर होगा तो अच्छी बात है। सो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, एक ओरिजिनल इमेज के लास्ट में, एक देखिए आप, अगर मैं कोई अपना मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन करके रखी है जो हम अभी एडिट कर रहे हैं, ओके मींस जो अपलोड कर रहे हैं ईमेल डॉट जो हमारी PNG है ना, तो उसको हम क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट में ये जो कॉमा है ना, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी PHP का शेल कोड है ओके उसको वन लाइन में राइट करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसको एक ही लाइन में लिखा है, मैं इसको व्यू पे अगर करूँ वर्ड रैप हटा दूँ तो आप देख सकते हो पूरा एक ही लाइन में मैंने राइट किया है PHP का शेल कोड, ओके। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, याद रखना जहाँ पे स्पेस चाहिए वहाँ पे स्पेस देना, ओके, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कोई वहाँ पे स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो एक लाइन में आप उसको लिख लेना विदाउट एंटर, ओके, कोड में सिंटैक्स में कहीं भी एंटर नहीं चाहिए, तो एक लाइन में भी अगर हम लिख ले तो ये कोड काम कर जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरे कोड को, और जो हमारी ओरिजिनल इमेज है, ओके, मैं इसको वर्ड रैप में कर देता हूँ अभी, व्यू एंड देन वेयर इज वर्ड रैप, ओके। मैं क्या करता हूँ आपको डेस्कटॉप पे बताता हूँ एक बार, डेस्कटॉप, तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, राइट, जिसको हम अपलोड कर रहे हैं अभी तक, उसको ही हम क्या करेंगे, इसमें PHP का अपना जो शेल है उसको बाइंड करेंगे। वो किस तरीके से, मैं जैसे इसको एडिट विद, आप कोई भी एडिटर के साथ उसको ओपन कीजिए, देन आपका PHP का कोड, ओके, तो मैं ये टाइप कर दिया यहाँ पे, कॉपी करके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कर दिया सेव। तो अभी क्या करना है, ये जब हो जाएगा इसमें, तो वो जब हम अपलोड करेंगे तो इसका एक्सटेंशन भी इमेज ही है और इसमें कंटेंट भी इमेज का ही है, लेकिन लास्ट में यहाँ पर क्या है, अपना PHP का कोड ऐड हो चुका है, ठीक है, शेल का, और ये सर्वर पर एग्जीक्यूट होना चाहिए,
अभी ये सेकंड मेथड है जो कि मुझे अच्छा लगा, आपको बता रहा हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको अपलोड करेंगे और इसको एक्सेस कैसे करना है वो भी बताता हूँ। इसको हमें दूसरी वल्नरेबिलिटी से एक्सेस करना पड़ेगा, जैसे कि उसमें दूसरी कोई वल्नरेबिलिटी फाइल इंक्लूजन की चाहिए, लोकल या फिर लोकली चाहिए क्योंकि हम अपलोड कर रहे, तो लोकल में आप चेक करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तो उसका कोड उस पेज में एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ अभी। जैसे हमने देखा, हमने क्या किया, उसको इस इमेज में लास्ट में आप देख सकते हो जो नॉर्मल साइज़ है, मैंने कॉपी करके रखा था 667 बाइट्स की है, और जब हमने उसमें PHP का कोड ऐड किया तो 891 बाइट्स की फ़ाइल बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे उसको अपलोड कर रहा हूँ अभी। अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपलोड करना है। ठीक है, तो मैं इंटरसेप्ट वगैरह सब ऑफ़ कर देता हूँ, चलिए ऑफ ही है। तो यहाँ पर मैंने किया अपलोड, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी इमेज सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अभी इसको एक्सेस करना पड़ेगा, तो फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी में जाते हैं। जैसे आप मैं हाई लेवल में ही बता रहा हूँ इसको एक्सेस करके, आप लो में भी कर सकते हो ट्राई, क्योंकि एक बार अपलोड हो गई तो सर्वर पे फाइल रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर हमें पता था हमने फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी को हाई लेवल में कैसे बाईपास किया था उसके फिल्टर को, क्योंकि वो फाइल का एक फाइल से स्टार्ट होने वाले को एक्सेप्ट कर रही थी, तो हमने फाइल प्रोटोकॉल यूज़ किया था। देन उसके बाद में यहाँ पर उसका पाथ दे रहा हूँ मैं, टारगेट जो भी जहाँ पे भी फाइल अपलोड हुई है तो पूरा पाथ देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ सी देन सैम स्लैश, ओके यहाँ पर भी एक स्लैश देना पड़ेगा, सी में जैम्प में HD docs स्लैश DVWA-master फाइल का नाम, एंड देन यहाँ पर फाइल अपनी अपलोड है हैकेबल में। ओके सो ये रही फाइल। तो अभी देखते हैं सब कुछ सही रहा तो अपना PHP का कोड रन होना चाहिए। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना PHP का कोड जो शेल था एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, पहले क्या है, ये जो पूरा है इमेज का डेटा है जो भी, एंड देन उसके बाद में अपना PHP का जो शेल कोड था लास्ट में हमने ऐड किया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ होस्ट नेम एंड देन एंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो PC का नाम आ चुका है। मैं फिर से अगर यहाँ पे देखूँ कौन सी फाइल है, तो अभी तो एक कौन सी फाइल है, include.php index.php, ओके तो ये बता रहा है दूसरी तरफ के फाइल्स भी। हम एक्चुअली अभी करंट में, ओके करंट कौन सी डायरेक्टरी में, हम वल्नरेबिलिटीज़ FI में है ना। आपने देखा किस तरीके से PHP को ऐड कर सकते हो, आप कमांड एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, आपको वो बहुत जगहों पे मिल जाएगा, लेकिन ये ज़रा यूनिक मेथड था इसलिए मैंने आपको शो किया। तो कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।